प्यारे सहपाठियों, आज नए दिन की शुरुआत के साथ आज की अपनी एक नई क्लास शुरू करने से पहले मैं यही मनोकामना करता हूँ कि आप घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आप अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से आगे की ओर लेके जा रहे हैं। आने वाला समय आपकी परीक्षाओं का दौर रहेगा, तो आप घर पर अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, उसे विराम नहीं दें। इसी आशा के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास का जो मुख्य विषय है, वो विषय है जो हमने पूर्व के अंदर हमारी जब क्लास चल रही थी ऑफलाइन, आप और हम साक्षात रूप से क्लास को ले रहे थे, तो उस समय अपन ने एक टॉपिक किया था, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बैनीपुरी का एक निबंध है। इस निबंध के द्वारा बैनीपुरी जी ने मनुष्य की आवश्यकताओं, उसकी मानसिक वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। बैनीपुरी जी का जो जन्म है वो 1907 में बैनीपुर मुजफ्फराबाद में हुआ था और इनकी बहुत सारी हिंदी साहित्य में रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं मैं आपके सामने पेश करता हूं, उन रचनाओं को आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा उसका भी वर्णन कर दें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। यहाँ देखिए, सबसे पहले रेखा चित्र की बात करें, रेखा चित्र संस्करण, कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सब क्या है? आपको पता है कि हिंदी साहित्य की विधाएं, अलग अलग विधाओं में रचनाएं लिखी जाती है। तो रेखा चित्र में माटी की मूर्तें, लाल तारा, ये इनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। संस्करण के अंदर जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, ये इनके प्रमुख संस्करण हैं। कहानी के अंतर्गत चिता के फूल और निबंध में है मसाल, गेहूं और गुलाब, जो हमारा अच्छा टॉपिक है, और वंदे वाणी विनायक, ये इनके प्रमुख निबंध है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रभावशाली है, जो हमारे हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक में जो कवि ने मूल जो बात बताई है गेहूं और गुलाब के माध्यम से, उसके बारे में विचार करते हैं। प्रस्तुत निबंध में जो गेहूं है, जो मैंने पूर्व में पढ़ा था, वो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, जबकि गुलाब मानसिक वृत्तियों का प्रतीक है। भौतिक आवश्यकताएं आपको पता ही है, जो हमारे बाहरी वातावरण में है, जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए है, जैसे भौतिक वस्तुएं होंगी, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, हमारा वाहन है, ये हमारी भौतिक आवश्यकता है। तो वो चीज मानसिक वृत्ति का मतलब होता है मानस, दिमाग में संतुलन होना, मानसिक वृत्तियों का मतलब होता है एक धैर्यशीलता होना, एक समन्वय होना,
जिस प्रकार से हम संगीत सुनते हैं और संगीत सुनने के बाद हमारी मानसिक प्रकृति जो है उसमें सहज भाव आ जाता है, हमें रिलैक्स महसूस होता है। ये जो रिलैक्स महसूस हुआ, एक संतुष्टि हुई, ये हमारी मानसिक प्रकृति है। तो इन्हीं के माध्यम से कवि ने मनुष्य की प्रवृत्तियों और आज के समाज की स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आगे देखिए बोर्ड पर, इस रचना में लेखक ने मनुष्य जीवन में भौतिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं के संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया है। कवि यहां पर यह कह रहा है कि मनुष्य जीवन में भौतिक आवश्यकताएं या फिर सांस्कृतिक आवश्यकताओं और भावनाओं में हमें हमेशा संतुलन रखना चाहिए। वो संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर वो संतुलन हम नहीं रख पाते हैं तो हमारा जीवन विकट परिस्थितियों में आ जाता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होने लगती है। आज समाज में हम जो भी क्रियाक्रम देखते हैं, जो आपसी द्वेष या ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, उन सब का कारण यही है कि हमारी मानसिक प्रकृति और हमारी भौतिक आवश्यकताओं के बीच में संतुलन जो था वो अब धीमे धीमे समाप्त होते जा रहा है। जो मनुष्य का मानसिक और भौतिक संतुलन अस्त-व्यस्त हो जाता है, उसमें वेरिएशन पैदा हो जाता है, तब हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों के अंदर, कठिनाइयों की स्थिति में आकड़ा होता है। इसलिए कवि ने स्पष्ट कहा है कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जो मानसिक और भौतिक आवश्यकताओं की ज्यादा इच्छा नहीं रखता, उनमें बराबर संतुलन रखता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, तो जो साधु महात्मा संत होते हैं वो हमेशा इन दोनों परिस्थितियों में समान अवस्था में, चाहे वो मानसिक प्रकृति से हो, चाहे वो भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित हो, इन दोनों में संतुलन बनाए रखते, तभी उनका जीवन एकदम सफल हो पाता है। क्योंकि जब इन दोनों में संतुलन पैदा नहीं होता है तो जीवन के अंदर एक उठापटक चलने लगती है और जीवन निरर्थक लगने लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन को या जीवन की जो परिस्थिति है, जो एक क्रिया है, उसके अंदर संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर थे, उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब यही है कि समान परिस्थितियों में एक सा रहना, मतलब कैसी ही स्थिति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, उन सभी परिस्थितियों में वह समान स्थिति में रहते हैं। ना उनके ऊपर दुख हावी होता है, ना खुशी हावी होती है, वो हर परिस्थिति में एक समान स्थिति में रहते हैं, इसलिए उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो हमें भी अपना जीवन है वो स्थित प्रज्ञ की तरह ही जीना चाहिए। कवि ने हमें यही बताया। आगे इसमें लिखा है, लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि सम्यक जीवन शैली के लिए इन दोनों का संतुलन और समन्वय आवश्यक है। यहां पर कहने का मतलब यह है कि सम्यक जीवन, एक समान भाव से जीने के लिए
एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें इन दोनों में संतुलन और समन्वय, एडजस्टमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। अगर इनमें संतुलन नहीं है, समन्वय नहीं है, तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी जिजी विषाई जो है वो उतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिसके कारण हम कई बार विपरीत परिस्थितियों से जूझने लगते हैं। हर मनुष्य की आकांक्षाएं होती है, उसकी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अनेक तरह के क्रियाक्रम करता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कई बार वो ऐसे कर्म करने लग जाता है जिससे समाज में उसका जो स्थान है वो गिरने लग जाता है, उसकी पद प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। तो कवि यहाँ पर यही कहता है कि ये प्रश्नचिन्ह नहीं लगे, ये जीवन बेदाग रहे, स्वच्छ रहे, उसके लिए हमें भौतिक आवश्यकताओं और मानसिक प्रतियों में संतुलन रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो पूर्व में भी हमने यही पढ़ा था, जो अभी हमने आपको समझाया, जब आप इस पाठ को पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया भी है आपको, एक एक लाइन इसमें समझाई है, वापस दोबारा इसको रिकॉल करोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जीवन के ऐसे ऐसे पहलुओं के बारे में बताया है कि अगर हम उनमें संतुलन नहीं रखें तो जीवन की जो डोर ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाती है कि वापस उसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। वो डोर, वो जीवन की डोर नहीं उलझे, इसके लिए कवि ने यहाँ पर यही बतला है कि संतुलन और समन्वय जीवन में बहुत जरूरी है। हमारा इतिहास उठा के देखें तो मैं गांधी जी की बात करता हूँ, उनका जीवन भी ऐसा ही था। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा संतुलन रखा, समन्वय रखा और जीवन को एकदम सम्यक तरीके से जिया, तभी आज वो राष्ट्रपिता कहलाए और अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकाला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, तो इसलिए कवि यहाँ पर यही कह रहा है कि मनुष्य को हमेशा अपना सरलतापूर्ण जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कि इस भागदौड़ की जिंदगी में उसकी आकांक्षा इतनी बढ़ जाए, वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाए, धन को इतना ज़्यादा इकट्ठा कर ले कि उसका जीवन बाद में न वो जीवन नरक नहीं बने। इसलिए कवि कह रहा है कि हमें भौतिक आवश्यकताएं, हाँ ठीक है भौतिक आवश्यकताएं होनी चाहिए, लेकिन उसमें संतुलन भी बहुत जरूरी है। अगर दिन प्रतिदिन भौतिक आवश्यकताओं की आकांक्षाएं बढ़ने लगी, मानसिक भक्ति बढ़ने लगी और उनमें संतुलन नहीं हुआ तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। हमारा जीवन यही होना चाहिए कि उस प्रभु ने हमें जितना दिया है उसमें हम खुश रहें और
और उसका उस खुदा का आप शुक्रिया करें, तब तो हमारा जीवन बहुत आसानी से गुजर जाता है। लेकिन अगर हम अपनी भौतिक आवश्यकता बढ़ाने लगे, मानसिक भक्ति के लिए, मानसिक संतुलन के लिए अगर हमने अनेक तरह के प्रपंच किए और उनमें संतुलन नहीं रखा तो जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आप वापस दोबारा इस पाठ को पढ़ोगे तो मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो परीक्षा में आने लायक है। उस समय हुआ नहीं था क्वेश्चन, पाठ पढ़ा था हमने पहले, आज हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए आप क्वेश्चन, लिखे गेहूं बना गुलाब रचना का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। लिख लिया अथवा में लिखे, अथवा में क्वेश्चन और लिखे, गेहूं बना गुलाब रचना ने राम वृक्ष बैनीपुरी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। लिख लिया, आगे लिखे हैं इसमें उत्तर, कंटिन्यू लिखे। गेहूं बना गुलाब शीर्षक रचना राम वृक्ष बैनीपुरी की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना में लेखक ने मनुष्य जीवन में भौतिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं के संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया है, इस रचना में गेहूं मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक है, जबकि गुलाब मानसिक वृत्तियों का फुल स्टॉप लगाएं। मनुष्य के लिए जितना भौतिक सुख जरूरी है उतना ही मानसिक तृप्ति का कहने का मतलब यह है कि हमें भौतिक आवश्यकताओं को बहुत प्राप्त कर ली। अब जैसे घर में रह रहे हैं तो घर में फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से संतुलित नहीं हैं तो हमारी वो भौतिक आवश्यकताएं कुछ काम की नहीं। भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी मानसिक संतुलन भी होना बहुत जरूरी है, मानसिक संतुष्टि भी होना बहुत आवश्यक माना गया है। आगे लिखें, हमारे लिए भोजन जितना आवश्यक है उतना ही संगीत भी। सम्यक जीवन शैली के लिए इन दोनों का संतुलन और समन्वय आवश्यक है। लिखिए अब फर्स्ट पॉइंट आ रहे हैं, गेहूं भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक। फर्स्ट पॉइंट डालें, गेहूं भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक।
प्रस्तुत रचना में कवि ने गेहूं को भौतिक आवश्यकताओं का प्रतीक बताया है। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाप्त कर देता है। भाई हर मनुष्य की चाह होती है और दिन रात वो उसी में लगा रहता है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में दिन रात भागा दौड़ करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इसके लिए वह दिन रात एक कर देता है, लगा रहता है दिन रात मेहनत करता रहता है, उठापटक जीवन की करता रहता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाता है। अब भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो कई तरह के हथकंडे अपनाता है। अब वो हथकंडे किसी को नुकसान पहुंचा कर करे या बिना नुकसान पहुंचा करके करे, वो करता जरूर है, जो यहां पर कभी उनको गलत मानता है। हम समाज में देखते हैं आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का वातावरण है, द्वेष का वातावरण है, नौकरशाही, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पर जीवन कवि कहता है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो जीवन जो है वो निरर्थक है, वो संतुलित जीवन नहीं है। आगे लिखें तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाता है, यहां तक कि वह अपने नैतिक कर्तव्य व अपने सामाजिक मूल्यों को भी भूल जाता है। हम देखते हैं हमारे नैतिक मूल्य क्या है, समाज के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, वो सब भूल जाते हैं, बस यही चाहते हैं कि हमारा इसमें क्या फायदा है, केवल एक ही सोच बनी रहती है, हमारा फायदा है ना, दूसरे का नुकसान हो रहा है तो होने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो इस तरह से अपने फायदे के लिए समाज में असामाजिक कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार वह मानसिक संतुलन को भूलकर और इस प्रकार वह मानसिक संतुलन को भूलकर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना जीवन अंधकार में बना लेता है, जो कि प्रकृति के खिलाफ, जो कि प्रकृति के लिए क्या है, उसके खिलाफ है, उसके विरुद्ध है। प्रकृति हमें यह कभी नहीं कहती कि आप समाज में रहकर के बुरे कार्य करें, समाज के विपरीत चलें, ये कभी नहीं है। आगे समझ में, नेक्स्ट लिखें दूसरा पॉइंट, मानसिक आवश्यकताओं का उन्नयन जरूरी, उन्नयन उन्नयन जरूरी। इसमें लिखे हैं प्रस्तुत रचना में बैनीपुरी ने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को अपनी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
लगातार प्रयासरत रहना चाहिए और सभी रहते हैं, मानसिक संतुलन रहे, मानसिक हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, उसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करता रहता है। क्योंकि मानसिक आवश्यकताओं के द्वारा ही मनुष्य प्रकृति के साथ समन्वय कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है। अगर मानसिक संतुलन सही है तो हम प्रकृति के साथ अच्छा सामंजस्य कर सकते हैं और अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकता है और अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकता है। कवि ने गुलाब के माध्यम से यह प्रतीत कराया है कि जिस प्रकार गुलाब शांति और खुशहाली का प्रतीक है, उसी प्रकार मनुष्य की मानसिक संतुष्टि भी शांति और खुशहाली को इंगित करती है। देखो यहां पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गुलाब शांति और खुशहाली का प्रतीक है, उसी प्रकार से मनुष्य की मानसिक संतुष्टि भी वो शांति और खुशहाली को क्या करती है, प्रकट करती है। और यह सार्वभौमिक सत्य है इसलिए हमें पता है कि मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमें संतुलन भी रखना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट लिखे हैं वर्तमान परिस्थिति, इसमें लिखे बैनी पुरी ने इस निबंध के माध्यम से वर्तमान की परिस्थितियों को उजागर किया है। आज मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों की शांति व खुशहाली के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आज की परिस्थितियों में व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी भरपाई होनी चाहिए, चाहे उससे दूसरों को नुकसान हो, हानि हो, उनका जीवन व्यर्थ हो जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हर मनुष्य की यही एक प्रवृत्ति रहती है कि सबसे पहले मेरा क्या हो, फायदा, मेरी भरपाई, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जबकि हमारा समाज ये नहीं कहता, हमारा मन ये नहीं कहता, हमारी आत्मा यह नहीं कहती, क्योंकि हमारी एक यही धारणा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सबसे पहले दूसरों को खुश रखते हैं, उसके बाद हम खुश होते हैं। आगे लिखे यहां तक मनुष्य अपने स्वार्थपूर्ण जीवन के लिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आज हर मनुष्य स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहा है, जिससे वह जो प्रकृति के नियम है, जो समाज के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, जिससे वो पूरे समाज को कलंकित करता है, पूरे समाज
में एक दुर्गंध भरा वातावरण पैदा कर देता है, जो कि गलत है। आगे लिखें, इसके लिए वह नए नए प्रयोग करता है सामाजिक मूल्यों व सांस्कृतिक मूल्यों का मजाक उड़ा रहा है, जो कि अशोभनीय है। अब देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे सामाजिक मूल्य क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है, उन सब का वो मजाक उड़ा रहा है खुलेआम से। आज हम टीवी चैनलों पर हम देखते हैं कई तरह की रैलियां निकलती है, तोड़फोड़ होती है, कभी आंदोलन होते हैं, कभी ये समाज खड़ा हो जाता है, कभी ये समाज खड़ा हो जाता है, जिससे देश की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को बहुत ज्यादा ठेस लगती है, जिससे वातावरण दूषित होता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना रखने लगता है। तो कभी यहां पर यह भी कह रहा है कि जब तक इतना संतुलन नहीं होगा, जब तक जीवन मनुष्य के जीवन में एक ही धैर्य नहीं होगा, संतुलन संतुष्टि का, तो जीवन वास्तव में नरक बनता चला जाए, इसलिए वो बहुत आवश्यक है। आगे लिखें, अगर मनुष्य इसी प्रकार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बागडोर लगाता रहेगा, तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो सही बात कही है। अगर इन्हें देखिए कि अगर मनुष्य इसी प्रकार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बागडोर लगाता रहेगा, तो पृथ्वी भी अपने आप में एक दिन संकट में आ जाएगी और इसका अस्तित्व जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसके संतुलन को बनाए रखें और अपने अंदर सबसे पहले संतुलन को बनाए हमारी भौतिक आवश्यकताओं और मानसिक प्रवृत्तियों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक व मानसिक प्रवृत्तियों में सामंजस्य आवश्यक है। भौतिक व मानसिक प्रवृत्तियों में सामंजस्य आवश्यक है। इसमें लिखें, बेनिकुल जी ने प्रस्तुत रचना के द्वारा यह संदेश भी देना चाहा है कि मनुष्य को अपनी भौतिक व मानसिक आवश्यकताओं में समन्वय व संतुलन बिठाना चाहिए, जिससे एक नए समाज व राष्ट्र का निर्माण हो सके और मनुष्य में मनुष्यत्व का भाव पैदा हो सके, सूक्ष्म भावनाओं का महत्व समझ सके। फुल स्टॉप। यदि ऐसा हो तो सारा जीवन रंगमय, कोमल, सुगंधमय व नृत्यमय हो जाएगा। कभी यहां पर ये कहेगा कि अगर सभी चीजों में सामंजस्य हो तो हमारा जो जीवन है रंगमय हो जाएगा, खुशहाली भरा हो जाएगा, सुगंधमय हो जाएगा, एक अच्छा वातावरण बन जाएगा और नृत्यमय हो जाएगा, फिर उसमें एक आनंदवाद की नई उत्पत्ति हो जाएगी और मानस जगत का नया रूप फैल जाएगा। मानस जगत का नया रूप फैल जाएगा। साथ ही विलासिता कौमा भ्रष्टाचार व अपराध की दुनिया समाप्त हो जाएगी और एक नए आलोक के साथ नया सवेरा उद्घाटित
होगा। इसी क्रम में आज का हमारा ये विषय समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि जब वापस आप इसको दोबारा पढ़ोगे, वैसे मैंने यहाँ पर समझा दिया, आपको समझाते हुए लिखा है, लेकिन वापस दोबारा जब आप नोटबुक में देखोगे, उसको पढ़ोगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से इस समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी क्रम में कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास की शुरुआत के साथ। धन्यवाद।